एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा बोला, स्कूल बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। पत्नी खाना खाते हुए पति से, अजी जरा रसोई से नमक का डिब्बा तो ले आना। पतिदेव रसोई में काफी देर डब्बा ढूंढने के बाद आवाज लगाता है, यहाँ तो नमक का डिब्बा है ही नहीं। पत्नी, एक नंबर के काम चोर हो, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। सारा दिन गप्पे लगाने में रहते हो, मोबाइल के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये फेसबुक किसी दिन हमारा तलाक करवाएगी। दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो, सारा दिन पड़ोसन पे नजर रखना यही सब करते हो। मुझे पता था तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। आ जाओ और चुपचाप खाना खा लो। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या अब मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। पुलिस वाला एक आदमी से बोला, चालान काटना पड़ेगा, नाम बताओ। आदमी बोला, याज्ञवल्क्य दास रामानुजम त्रिचिपल्ली मोक्ष गुंडकम्मा मुथुस्वामी। पुलिस बोला, आज छोड़ देता हूँ, आगे से हेलमेट लगाना। टीचर पप्पू से बोली, अपने पापा का नाम अंग्रेजी में बोलो। पप्पू बोला, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। टीचर गुस्से में बोली, क्या बकवास है, हिंदी में बताओ। पप्पू बोला, सुंदर लाल चड्डा। एक आदमी ने अपनी बीवी को पत्र लिखा, प्रिय इस महीने की पगार नहीं मिली, पैसे के बदले में 100 किस भेज रहा हूँ, लव यू। थोड़े दिन बाद पत्नी का पत्र आया, आपका पत्र मिला, पगार के बदले 100 किस मिली, 16 किस सब्जी वाले को दिए, 29 किस बच्चों के प्रिंसिपल को दिए, दूध वाला 7 किस में नहीं माना तो 12 किस उसको किस देने पड़े, मकान मालिक राजी ही नहीं हुआ तो उसे किस के साथ झप्पी भी देनी पड़ी। महीना आराम से गुजर गया। डोंट वरी, आई लव यू टू। पति बेहोश।